जो आतंकवादियों को मूक समर्थन यह दिया जाता है उसके अंदर भी हुर्रियत शामिल था। इसी पर बात करने के लिए मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं, डॉक्टर कुलभूषण मल्होत्रा जम्मू से। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे इस साजिश पर? वैसे क्या था कि इन लोगों का आर्टिकल 370 अब्रोक होने का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि इनके जहन में एक ही बात थी कि ये तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता है। क्योंकि आज तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर आए और जो इनकी मिली भगत के कारण वो इस स्टेप को ले नहीं सके, और जब अचानक ये चीजें सामने इनके आई तो इनकी, अभी हम दूसरी भाषा में कहेंगे तो इनके दिमाग कोशों वहां से इनके उड़ गए, और उसी को बहाल करने के लिए या अपनी बात मनाने के लिए, अभी जैसे कहते हुए हैं कि खंभा नोचने वाली बात है, और ये लोग इस तरीके से प्रोपोगंडे करके और इस तरह के अपने स्टेट को बर्बाद करने के लिए कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स देते हैं, अपने युवाओं को खराब करने के लिए। इन लोगों का एक ही मकसद है कि जहाँ की डिस्टर्बेंस क्रिएट करके रखो और ताकि लोग इसमें उलझे रहे। लेकिन अब भारत के लोग और कश्मीर के लोग भी जो नेशनलिस्ट हैं, वो क्या मुसलमान है, क्या हिंदू है, क्या सिख है, क्या ईसाई है, वो इनकी जो गद्दारी थी वो समझ चुके हैं कि इन लोगों ने 47 से नहीं बल्कि 1931 से ऑनवर्ड्स इन्होंने क्या क्या काम किए हैं वो आज सबके समझ में आ चुका है, क्योंकि जनता पढ़ी लिखी है। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर मल्होत्रा, सबको समझ आ चुका है। इसीलिए आज न्यूज नेशन आरती ने जो ये पूरी रिकॉर्डिंग की है इसका खुलासा कर रहा है, पूरे देश के सामने रख रहा है, ताकि सुरक्षा एजेंसियां, जैसा आरती कह रही है वो इसे दे चुकी हैं, सुरक्षा एजेंसियां इसकी जांच करें, इसमें जो मौजूद लोग हैं उनके पास पहुंचे और पूछे कि ये आप क्या कर रहे हैं अपने ही देश में रहकर।